रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। आपको मेरे शोज कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके पास का बेल बटन जरूर बताएं जब बजाएं, ताकि उससे आपको हमेशा वो वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको माइक्रोवेव में सूजी का हलवा कैसे बनाना ये बता रही हूँ। हमारे पास एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन है, बोरोसिल का एक बर्तन है, और उस बर्तन में हमने लिया है एक कप सूजी यानी कि रवा, और इसको लेके मैं माइक्रो में रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। सिर्फ 2 मिनट पहले रखेंगे और हर 1 मिनट के बाद उसको हिलाकर हम फिर 5 मिनट पूरे करेंगे। पहले हमने एक साथ 2 मिनट के लिए रखा था क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, और अगर ये एक साथ हमने 4-5 मिनट के लिए लगा दिया तो ये एक ही जगह से जल जाएगा। ठीक है, फिर से हमने 2 मिनट के लिए रखा है। ये बंद हो गया है माइक्रोवेव और इसको मैं निकालूंगी। देखिए है ना, अब ये पूरा भुन चुका है। 5 मिनट का टाइम लगा है इसे भुनने में, और इसमें मैं मिलाऊंगी अब घी। अगर हम चाहें तो 1 चम्मच घी से भी माइक्रोवेव में हलवा बना सकते हैं, है ना, तो भी बन जाएगा। और अगर जैसे बोलते हैं लोग कि हमने माइक्रोवेव में लड्डू बनाए, तो लड्डू जो है इसी तरह से सेक के लड्डू बन जाएंगे, इसी तरह से सेक के इसमें हलवा बन जाएगा, पंजीरी बन जाएगी इसमें अगर अपन शक्कर मिला दें तो, कुछ भी हो सकता है। हम एक बात प्लीज़ ये डालने से पहले आपको ये बता दें कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 1 कप सूजी, 1 कप शक्कर, क्योंकि हमने शक्कर जो है ना ये 50% वाली शक्कर ली है जो कि 50% लेस होती है, जो कि मीठी ज़्यादा होती है। तो हमने 1 कप शक्कर ली है, 1 कप सूजी। अगर आप नॉर्मल शक्कर लेंगे तो 2 कप लेना, और हमने 1 कप घी लिया है। माइक्रोवेव में 1 चम्मच से भी बन जाता है, पर हम तो 1 कप डाल के अच्छा बनाएंगे। उसमें हमने काजू लिए हैं थोड़े से, थोड़ी से बादाम, थोड़ी सी किशमिश और पिसी हुई चीनी, ये ली है इलायची 1/2 चम्मच। यहाँ पे मैं घी जो है इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 कप सूजी ली है, उसको भूना है 5 मिनट तक, और उसी में मैंने घी डाल दिया है। अब मैं उसमें चीनी डाल रही हूँ। हमने चीनी मिला ली और ये खूब अच्छा भून गया है, और इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर, इसमें हम डाल रहे हैं किशमिश और थोड़े बादाम, और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करके रखा है, ठीक है, तो हमने 1/2 कप के हिसाब से लिया था सब कुछ, तो हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अगर 1-1 कप के हिसाब से लेते तो हम 3 कप पानी डालते, और इसको हमने मिक्स कर दिया। अब माइक्रोवेव में रखेंगे 5 मिनट के लिए। इसको मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए। देखिए ये हलवा बहुत अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया। इसमें घी पूरा निकल के ऊपर आ गया। अगर हमको बिना घी का चाहिए था, हम चाहते तो इसको घी ऊपर से निकाल भी सकते थे, लेकिन हमने इसको मिक्स कर दिया। देखिए बहुत अच्छा बना है, और इसके ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से काजू। माइक्रोवेव में बनाया है हमने ये हलवा,
और बहुत ही अच्छा हलवा बना है। माइक्रोवेव में हमने आज हलवा बनाया था जो कि रेडी है और बहुत इजी टू कुक है। कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट्स मेरे जो आउट ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं तो 2 मिनट में इसको बना सकते हैं। इसको देखकर कि हमें ऐसा लगता है कि हमको इस विदेश खाएं, तो फटाफट ये रेडी हो जाते हैं।